शुरू होने वाली है। चुके हैं बउआ को लेकर के पतिदेव गाड़ी में। तो देख सकते हैं कितना सारा सामान हम लोगों ने खरीदा है। तो यहाँ पर पैकिंग चल रही है जी। तो हम लोग जाने वाले हैं रितु के घर और यहाँ देख सकते हैं यहाँ दूल्हे राजा और यह दुल्हनिया। यहाँ पर सारा चूड़ी सिंदूर सब कुछ पैक हो रहा है। तो आज है वट सावित्री का नहाए खाए। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, जाती हूँ पूजा करूंगी। पीछे साक्षी दीदी और छोटा का आज जाने का भी है 3:30 बजे, 1 घंटा। और मुझे वट सावित्री की शॉपिंग भी करनी है, पैकिंग भी करनी है। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे शॉपिंग करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इस वजह से नहीं खरीद पाए, क्योंकि ऋतु का पहला वट सावित्री है। तो हमारे इधर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो बहुत कुछ शॉपिंग करना है। तो मैं जल्दी से चलती हूँ पर दीदी को उधर स्टेशन छोड़ के, फिर हम लोग चले जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। अरे दीदी, ये सब की क्या जरूरत है? ये खाने के लिए रास्ते यह है बस, एक यादगार तोहफा है हम लोगों की तरफ से। जब तक हमें इतने प्यार से हमें रखा, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे लग रहा था कि हम अपने घर में आके आराम से। हमें भी जानकर काफी अच्छा लगा और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमसे तो यह फंक्शन संभलने वाला है, क्योंकि बहुत ही अनारी आदमी। 3 दिन के लिए सासु जी जो का रूम हमने ले लिया, उसे भी पता है हम इस रूम छोड़ करके भागते रहते हैं, क्योंकि क्रियान सुन ही नहीं देता यहाँ। बिल्कुल हम लोग मजे कर रहे थे एसी में आराम। और ये देखिए क्रियांश भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्रियांश? ये देखिए, ये लास्ट टाइम तो आ जाओ मेरे पास, सब कुछ होना चाहिए। देख रहे हैं तो हमको लगता है अपने घर का एक नंबर है, उसी नजरिए से तुमको देखते हैं हमारी बेटी। और हम जब तक जिंदा रहेंगे हर ओकेजन पर तुम आओगे। नहीं चाहिए, कहीं भी जाओ इतना प्यार से बात मिल जाए। बहुत है, बहुत। क्रियांश हमारे साथ जा रहा है। बाबू हम इसको लेके जाएंगे, जाओ चले जाओ आप। सभी जा रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए। दीदी उधर से हम लोग मार्केट भी चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें। और दीदी वट सावित्री के दिन आपको दिखाएंगे, देखिएगा नहीं तो ब्लॉग में तो प्रॉपर देखिएगा, बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक रियांश भी जाओगे ना तुम? एक दिन का और टाइम रहता तो मुझे यही मजा ही आ जाता है। मम्मी भी आगे बैठी है क्योंकि शॉपिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी मम्मी रहेंगी तो। वाओ रियांश सबसे वाओ वाओ कर रहा है, एक नया वर्ड सीख लिया। वाओ गाड़ी में बैठते कहता है वाओ। तो सभी लोग जी पहुंच गए हैं स्टेशन पर। ट्रेन खुलने में जो है लगभग 20 मिनट है और ट्रेन लग चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग, पहुंचते हैं वहां पर। निकलिए जल्दी जल्दी, निकलो निकलो, भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी भागो एकदम। हंस रहे हो? होय होय होय, इधर मत लाना, फिर आएगा गोद में ही वो। होय क्रियांश, क्या हो रहा है ये? ओ भाई साहब, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। तो यहाँ से जाना है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, वहीं पर गाड़ी लगी हुई है, तो चलते हैं जल्दी, भागे भागे। ये B4 B1 में जल्दी जल्दी दौड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वरना किसी भी को तो भी घुसा देंगे। आप B1 पहुँच जाएंगे अंदर अंदर। ये रहा B3। ओए क्रियांश, माछी से क्या मिल रहा है? रोने वाली है। मैं कंट्रोल कर रही हूं। क्या हाल है? मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है भाई। अरे ऐसी कोई आपकी वजह से ही तो ये भी है ना। इधर देखो क्रियांश बाबू, भाई बहुत बहुत प्यार मिला, मतलब कभी मैं भाई बोल रही हूँ कभी जीजू बोल रही हूँ, दोनों रिश्ते इतने अच्छे हैं ना। मतलब पहले मैं जीजू बोलती थी, लेकिन यहाँ आके भाई वाली फीलिंग आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी मुझे पता चला कि मतलब आप मेरे से एज में भी छोटे हैं। अच्छा, आपका 93 का जन्म है, 91 का है, तो मुझे लग रहा है कि भाई ही। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप जो बोलिए जो बोलिए, जो भी प्यार से बोलिए सब मंजूर है। और आप लोग का है 17-18, और थोड़ा बैक को एडजस्ट कर दो। चलिए, और हमें
ये खुश हो रहा है, ये देखो। और ये भी बाय कर रहा है। वाह बाय। बाय। छोड़ के सच में जाने का मन कर रहा है। बोल रहे जाओ। अभी देखो मना भी नहीं कर रहा है। बाय। रील्स बना दी थी। एक रील्स बना दी। नहीं नहीं करता था, करता था। यहाँ पर कम से कम लगता है 100 से 150 बार बाय हो चुका है, लेकिन किसी को जाने का मन, किसी को जाने का मन कर नहीं रहा है। तो अंदर नजर आ रही है कि नहीं पता नहीं आपको? हाँ, अब दिख रही है। हाँ, इसमें नहीं दिख रही। हम और मम्मी उतर चुके हैं बउआ को लेकर के पतिदेव गाड़ी में, और चल रहे हैं जल्दी से शॉपिंग करने के लिए। मम्मी बोले हैं मुश्किल से 15 मिनट लगाओगी, इससे ज्यादा नहीं लगाओगी क्योंकि बहुत सारा काम है। हम लोग का कोई काम नहीं अभी तक हुआ है, अभी तक विदाई किए हैं। अगले त्योहार की प्रस्तावित का तैयारी हो रहा है, फिर हम लोग को निकलना भी है। बहुत बहुत सारा काम है, बहुत सारा पेंडिंग है पड़ा हुआ। यहाँ से जाएंगे फिर सबको जैसे बना करके फिर उसको पैक करके फिर ले जाना है। हम और मम्मी फल को करवा रहे हैं, पैक नहीं करेगा, बस सारा फल ले लिए, घर जाके खुद ही पैक करना पड़ेगा। और उस पार जाते तो पैक कर देता, लेकिन टाइम है नहीं, तो इस वजह से। वाह, एक देना है ना? हाँ, ये कितना? उसको हटाइए तो, ये हटे, हमको दीजिए ये वाला। ये दोनों दीजिए सर, उस टाइम में अच्छा दिए। हाँ ये दीजिए, ये देखिए कितना लाल लाल है, कितना अच्छा अच्छा। ये लाल है था, हल्का दूध में रहता है ना। छोड़िए ना, हमको यही दे दीजिए। 3 ले लिए था, कते ले लिए था? पहले एगो ले लिए था, अब 2 को लिए। वही उसको चाहिए। तो सारा फल लिए हमने, बहुत सारा। चलिए मम्मी चलो। नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं दौड़ा और ये बेनी। क्या बोले मम्मी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो लावा जो दिया जाएगा वो कहाँ, वो नहीं होगा कहाँ मिलेगा था? नहीं हम लोग इधर ना गुड्डा गुड़िया का वो शादी करवाया जाता है। लावा छिड़कने वाला है, ऐसे ऐसे जो लावा छिड़का जाता है। हाँ चाहिए है। 50 टका। हम और मम्मी ऑटो ऑटो में बैठ गए, अब जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या करेंगे। टाइम बहुत कम है, बस निकल गए हैं, सारा सामान भी लेना है। तो आप क्या ले रहे हैं मम्मी आपको? अब वही ना, शादी होगी लड़की के, गुड्डा गुड़िया बनाए हैं उसके लिए, सुखी रुखी लेना है। फुलदानी है, फुलदानी बना हुआ है। कितना जल्दी वाला, देर लगेगा। तो यहाँ पे भैया हमारा फूल डाली बना रहे हैं। फूल डाली हमारा बना रहे हैं। मम्मी देखिए, कितना हुआ बोलो? 120 और एक ये भी चाहिए ना। मतलब हाथ का भरा हुआ नहीं मुझे लग रहा है। तो देख सकते हैं कितना सारा सामान हम लोगों ने खरीदा है, अरे भर के। मम्मी बहुत लेट हो गया, लेट बहुत हो गया हमारे वहाँ, लेकिन हम लोगों ने अपनी इतनी जल्दी जल्दी की है फिर भी लेट हो गया। एक मिनट, मिठाई नहीं है, मिठाई लड्डू।
वाह, तो यहाँ पर पैकिंग चल रही है जी। तो हम लोग जाने वाले हैं रितु के घर और यहाँ देख सकते हैं, ये है दूल्हे राजा और ये है दुल्हनिया। दूल्हे राजा तो मेरा बेटा बहू है। हाँ हाँ, एक बेटा बहू वहाँ गया है पूजा पूजने के लिए, दूसरा बेटा बहू और सास जा रही है पूजाने के लिए। और बहुत सौभाग्य की बात है, शेरवानी पहने गुड़िया जो है इसकी शादी की जाती है। ये हम लोग में है की शादी के पहला साल जो बट सावित्री का व्रत आता है उसमें ये रीति रिवाज किया जाता है। अच्छा, ऐसी बात जाएगा इसलिए कि और प्रोग्रेस। तो देख सकते हैं जी यहाँ पर सारा तूरी सिंदूर सब कुछ पैक हो रहा है, पूरे फैमिली का कपड़ा है। अच्छा, पूरी फैमिली कपड़ा है यार, फैमिली का कपड़ा जाता है। चारों गोत्र उसकी दादी की सारी बहन सब का कपड़ा है, पूरा फैमिली का अच्छा ठीक है। अच्छा वाह, ये सब उनकी बहन के लिए, ये सब बहन के लिए है। वाह बहुत बढ़िया, ये हो गया सामान है, सिंदूर है जैसे लावा हुआ है, जितनी है वो लड़की की शादी होगी भावर पड़ेगा, घी है, जितनी चीज होना चाहिए शादी के। अब बहुत जल्दी है कि जाना है इसलिए हम ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं आपको। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को 6 बजे कम से कम निकल जाना है, अभी बज चुका है 6:15 है मात्र।